हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप उड़ीसा आए हैं और उड़ीसा का फेमस चावल पकौड़े देखना है तो कुछ भी नहीं खाया, तो आज हम बनाते हैं घर पे ही उड़ीसा का फेमस चावल पकौड़े और उसके साथ चटनी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। यहाँ पे हमने 6-7 घंटे पहले ही दाल और चावल को भिगा के रख दिया था अच्छे से धो के। मैं आपको मेजरमेंट बता दे रही हूँ, ये 1 कप चावल में हम 1/4 कप उड़द की दाल दोनों को मिक्स करके अच्छे से धो के भिगा के रख दिया था। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। इसको थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, एकदम बारीक नहीं पीसेंगे। और इसके साथ हम थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल देंगे। घोल बन के रेडी है। हमारे उड़ीसा में इसको मसाला वड़ा बोलते हैं। इसको 15 मिनट ढक के रख देंगे। चलिए हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। 1 प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़े से लहसुन की कलियां। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। इसको कैसे छीलेंगे जो इजीली छील जाए उसका प्रोसेस मैं आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ। मैंने लहसुन के कलियाँ को गर्म पानी में डाल दिया था, उसके बाद आराम से छीलने में रहता है। और ये थोड़ा सा इमली का पानी डाल रहे हैं हम, थोड़ा सा खट्टापन बढ़ जाए बोल के। नमक डालेंगे स्वादानुसार और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से पीस लेते हैं। देखिए हम लोग का चटनी बन के रेडी है। ये चटनी थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, तो इसमें हम और थोड़ा पानी डालेंगे और हम थोड़ा सा इसमें काला नमक भी मिक्स करेंगे। ये देखिए इतना पतला अच्छा लगता है चटनी। और यहाँ पे हमारा घोल रेडी है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं स्वादानुसार नमक, जीरा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती चटनी में भी डाल दिए और घोल में भी डाल दिए। अब इसको हाथों से ही अच्छे से फेंटना है। आप इसको जितना अच्छे से फेंटेंगे बड़ा उतना अच्छा बनेगा। ये देखिए इधर हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, गर्म भी हो चुका है कढ़ाई। अब हम बड़ा डालना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके लिए हमें फ्लेम हाई ही चाहिए। मसाला वड़ा के घोल को हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, पीसे और 10-15 मिनट के अंदर ही उसको बनाएंगे, तभी ज़्यादा अच्छा बनता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही चलाते रहेंगे और जब एक तरफ से थोड़ा सीख जाएगा फिर पलटी कर देंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। यहाँ पे हम लोग का चावल पकौड़ी या मसाला वड़ा, आपको जो नाम देना है दीजिए, एकदम सीख चुका है और खाने के लिए एकदम रेडी है। यहाँ पे मैंने दूसरा बेच भी डाल दिया है और इधर प्लेट भी रेडी कर दिया है। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। जितना सुंदर दिख भी रहा है उतना खाने में भी ये मज़ा आता है। मैं एक तो आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना क्रंची है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।